नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। मैं लेके हाजिर हूं एक और वीडियो, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूक्लियर प्रोपेल्ड क्रूज मिसाइल के बारे में। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, मार्च 2018 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर प्रोपेल्ड क्रूज मिसाइल के बारे में ऐसा बताया था कि वो डेवलप कर रहे हैं। और हाल ही में ऐसी खबर आई है कि इस मिसाइल के प्रोपेलर को डेवलप करते टाइम कुछ साइंटिस्ट जख्मी हो गए हैं। तो इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये न्यूक्लियर प्रोपेल्ड क्रूज मिसाइल किस तरह की टेक्नोलॉजी है और इसको डेवलप करने के लिए किस तरह के एफर्ट्स की आवश्यकता है, और ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके प्रोपेलर को डेवलप करते टाइम इस ब्लास्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं उस चीज को जानेंगे। और इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करते टाइम जहां पे हम एक न्यूक्लियर कोर को मिनिएचराइज कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाता है उसको भी जानेंगे। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि ये वीडियो टेक्निकल होगा। तो इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस न्यूक्लियर प्रोपेल्ड क्रूज मिसाइल का कोर या फिर प्रोपल्शन सिस्टम किस तरह का है उसको जानने से पहले एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि न्यूक्लियर सिस्टम किस तरह से काम करता है एनर्जी देने के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उस प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। और उसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो हमने ये जाना कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है और इसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और इसमें से जो हमारा प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे तो हीलियम में ऐसे ही न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, और इनके अराउंड दो ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर आप यही बेसिक फंडा लेके आगे चलते हो और पहुंचते हो एटॉमिक नंबर जो कि यूरेनियम 235 है और इसके तीन आइसोटोप होते हैं, तो इन तीन आइसोटोप के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे जब हम वीडियो फ्यूजन रिएक्टर पर बनाएंगे तब। तो अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि यहाँ पे जो यूरेनियम 235 है उसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की मात्रा है वो बैलेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से यूरेनियम चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबल करे अपने न्यूक्लियस में से एनर्जी रिलीज करके। और इसकी यही टेंडेंसी एनर्जी रिलीज करने की अपने न्यूक्लियस से इसको रेडियो एक्टिव का नाम देती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, फिर चाहे वो अल्फा बीटा या फिर गामा रेज के रूप में हो। तो ये तो हुआ यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा बैलेंस नहीं है। तो फिर अगर आप एक न्यूट्रॉन को पकड़ के इसके न्यूक्लियस पे छोड़ोगे और आपके छोड़ने की स्पीड तेज नहीं होगी तो ये क्या करेगा, उस न्यूट्रॉन को लेके अपने आप को प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर लेगा। अगर आप न्यूट्रॉन को एक पर्टिकुलर स्पीड से इसके न्यूक्लियस में मार रहे हो तो क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में बढ़ जाता है, टूट जाता है। उस न्यूक्लियस के टूटते वक्त एक एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में और ब्लास्ट की फॉर्म में, और जैसे ही ये एनर्जी रिलीज हो जाती है तो ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये दोनों अपने अपने वर्किंग एरिया या फिर शील्डिंग से बाहर चले जाते हैं। तो एक ऐसा काम किया गया जिससे जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के टूटने के बाद जनरेट हो रहे हैं, जो कि शील्डिंग छोड़ के एस्केप कर जा रहे थे, तो उनके लिए उनके एरिया को सर्कुलर बना दिया गया। और इसमें भी जो ये सर्कल क्रिएट किया गया इसको बेरिलियम मेटल का बनाया गया, जिससे कि अगर कोई न्यूट्रॉन इसे टकराता है तो वो दोबारा इससे टकरा के अपने वर्क स्पेस में चला जाएगा और फिर किसी न किसी न्यूक्लियस से जाके टकराएगा और उस न्यूक्लियस को तोड़ेगा और एनर्जी और रिलीज करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और उस पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया में जो एनर्जी की मात्रा है वो बढ़ती रहती है। तो यह है बेसिक फंडा। तो जब आपका वो सर्कुलर एरिया जिसमें न्यूक्लियस टूट रहे हैं न्यूट्रॉन को टकराने से और एनर्जी जनरेट हो रही है, जो कि एक बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी जनरेट हो रही होती है, तो अगर आप उस एनर्जी को यूज नहीं करते हो तो वो जो आपका सर्कुलर सेक्शन है वो बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। और आपको इतना बता दूं कि जब ये न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से टकरा रहे होते हैं और उसके बाद स्प्लिट हो रहे होते हैं और चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो न्यूट्रॉन की स्पीड होती है वो 20,000 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। तो आप समझ सकते हो कि आप कितना बड़ा सर्कुलर एरिया लोगे जिसमें अनगिनत न्यूट्रॉन द्वारा तोड़े गए न्यूक्लियस से रिलीज हो रहे एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सको। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्कुलर सेक्शन है जिसमें न्यूट्रॉन टूट रहे हैं वो जितना बड़ा होगा उतना आपके सिस्टम के पास क्षमता होगी एनर्जी को स्टोर करने की। लेकिन आप दूसरी तरफ देखते हो तो एक क्रूज मिसाइल की डायमेंशन क्या होती है, मैक्स टू मैक्स 1 से लेकर 2 मीटर का डायमीटर होगा। और वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका ने न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम का यूज अपने रॉकेट्स के लिए किया था 1950-1960 में, तो उस दौरान जो उनके रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम का डायमीटर था वो 5 मीटर था। मतलब उनके पास एक बड़ा एरिया था एनर्जी को, जो कि इस सर्कुलर वर्क स्पेस को जिसमें इतने सारे न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे थे और एनर्जी रिलीज कर रहे थे, तो उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए उनके पास एक बड़ा एरिया था। लेकिन उसके बाद भी उनके कई टेस्ट फेल हुए क्योंकि उतना बड़ा एरिया भी इस तरह की एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए
छोटा पड़ रहा था। जान लेते हैं कि इस तरह के प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करके किसी भी मिसाइल को या फिर रॉकेट को कैसे चलाया जाता है और रशियंस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये एक्सीडेंट हुए होंगे, जिसमें 7 साइंटिस्ट और 5 टेक्नीशियन की जान गई है। तो बेसिकली ये होता है रिएक्टर कोर जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब दिए गए होते हैं और ये ट्यूब ग्रेफाइट के होते हैं जो कि अपने अंदर यूरेनियम 235 कंटेन कर रहे होते हैं और इस सिलेंड्रिकल कोर की जो शील्डिंग है वो बेरिलियम मेटल की है। जहाँ तक बात है इस ट्यूब के मटेरियल की तो वो ग्रेफाइट के होते हैं। तो जैसे ही इस कोर के अंदर यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है न्यूट्रॉन के द्वारा तो फिर यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को एक तरफ से हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस करके उन हाइड्रोजन गैस को ये एनर्जी दी जाती है हीट की फॉर्म में और वो हाइड्रोजन गैस इस एनर्जी को लेके इन होल के थ्रू पास हो जाते हैं। ये जो होल्स हैं इसमें नायोबियम कार्बाइड की कोटिंग की गई होती है ताकि ये जो हाइड्रोजन गैस इनके थ्रू जो फ्लो कर रही है वो ग्रेफाइट के बने इन ट्यूब्स को कोरोड ना कर दे। और जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस एनर्जी ले लेती हैं तो उसके बाद इस हाइड्रोजन गैस को एक्सपेंड कराया जाता है नोजल की हेल्प से और ये एक हाई स्पीड में नोजल के थ्रू एक्सपेंड होकर निकलती हैं और एनर्जी रिलीज करती हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो आगे की तरफ प्रोपेल होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है जो कैपेबल होता है आपके पूरे सिस्टम को एक हाइपरसोनिक स्पीड में ले जाने में। तो जहाँ तक बात इसको कंट्रोल करने की कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी जो शील्डिंग है सिलिंड्रिकल वर्किंग सेक्शन की जो शील्डिंग है वो बेरिलियम मेटल की होती है। तो बेरिलियम क्या करता है आपके न्यूट्रॉन्स को मॉडरेट करके अंदर भेजता है ताकि वो और भी न्यूक्लियस को तोड़े। लेकिन वहीं पे एक और शील्डिंग होती है जिसे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है और ये शील्डिंग होती है बोरोन की। तो बोरोन का नेचर क्या है, जब भी इससे कोई न्यूट्रॉन टकराता है तो वो इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और पार्टिसिपेट नहीं करने देता है न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन में, जिसका परिणाम ये होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को रिमोटली कंट्रोल करने के लिए रॉकेट सिस्टम में या फिर आपके मिसाइल सिस्टम में ये बोरोन की शील्डिंग दी जाती है और इस तरह के सिस्टम की जो स्पीड होती है वो आपकी 15 मार्क के बीच में होती है। तो आप समझ सकते हो कि इस तरह के सिस्टम को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। और इस तरह के सिस्टम की जो रेंज होती है वो अनलिमिटेड होती है क्योंकि जो आपका यूरेनियम फ्यूल है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है रशियंस को जान लेते हैं। तो जैसे कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे ये एक हमारा सिलिंड्रिकल वर्किंग एरिया है जिसमें न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो रहे हैं न्यूट्रॉन के द्वारा और मैंने आपको बताया कि इसमें न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है वो 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और इतने हाई स्पीड से जब वो ब्रेकडाउन कर रहा होता है न्यूक्लियस को तो जो एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी जल्दी रिलीज हो रही होती है। और हमने या फिर रशियंस ने ये किया है कि ये जो सिलेंडर है इसका एरिया और छोटा कर दिया है ताकि वो क्रूज मिसाइल में फिट हो सके। इसके एरिया को छोटा करने से और क्या होगा कि जो आपका एनर्जी रिलीज हुआ है उसके स्टोरेज का एरिया और छोटा हो गया। तो उतने छोटे एरिया में एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी जो कि आपका किसी भी तरह का माध्यम जैसे कि हाइड्रोजन हो या फिर वाटर हो इतनी जल्दी यहाँ से एनर्जी लेके बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि अगर आप इसमें से हाइड्रोजन गैस पास कराओगे तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि आपका जो कंटेनर है वो इतनी एनर्जी को संभाल नहीं पाएगा और फट जाएगा। और ठीक ऐसे ही काम करता है आपका एटम बम भी, जिसमें से जब हमें एटम बम फोड़ना होता है तो पहले हम क्या कर देते हैं इस सिलिंड्रिकल एरिया को दो भागों में बांट देते हैं ताकि कोई भी न्यूट्रॉन एक बार टकराने के बाद पहले तो बाहर चला जाए। और जैसे ही एटम बम ग्राउंड के नज़दीक पहुंच रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि इसकी शील्डिंग है उसको एक कंप्लीट सर्कल बना देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि न्यूट्रॉन्स बाहर निकल नहीं पाते हैं और जल्दी जल्दी न्यूक्लियस से टकरा के एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि आपका एरिया कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन आपकी एनर्जी बढ़ रही होती है उसी एरिया में और जिसके फलस्वरूप आपका सिस्टम फट जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है एटम बम का। वहीं पर अगर हम एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं चाहे वो किसी प्रकार से हो, जैसे कि इनके थ्रू हाइड्रोजन गैस पास करा ली, जैसे कि इनके थ्रू वाटर पास करा लिया ताकि वो एनर्जी हीट की फॉर्म में ले जाएं, तो अगर आप एनर्जी यूज कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये सिस्टम आपका बस्ट कर जाएगा। और यही हुआ है रशिया में इस क्रूज मिसाइल को बनाते टाइम, यानी कि सर्कल के साइज को छोटा किया है। तो आपका एरिया तो आपने और छोटा कर दिया लेकिन जो हीट रिलीजिंग क्षमता है वो आपकी उतनी ही है और जिसका परिणाम ये हुआ है कि ये सिस्टम बस्ट कर गया है। वैसे इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काफी देशों ने ट्राई किया डेवलप करने का और अमेरिका भी 1940 से ट्राई कर रहा है और अभी तक वो भी सफल नहीं हो पाया है। और ऐसे बताया जा रहा है कि अमेरिका इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने वाला है और उनका टारगेट है कि 2024 तक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जाए जो कि मिसाइल्स में यूज हो सके। और इस तरह के सिस्टम को कारगर बनाने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि ये जो आपका सर्कुलर वर्किंग एरिया है इनके अंदर कुछ बोरोन के इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस कर दिए जाए जिससे कि जो रेट ऑफ कोलिजन है न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन से उसको कंट्रोल किया जा सके और जिसके फलस्वरूप सिस्टम की एनर्जी कंट्रोल हो पाएगी। जहाँ तक अगर आप बात करते हो भारत की, तो भारत में हो सकता है अगर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी हो तो मोस्ट प्रोबेबली इसरो ही करेगी अपने रॉकेट्स के लिए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में
यही रॉकेट सिस्टम का भविष्य होने वाला है अगर हम प्लान कर रहे हैं इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल के लिए या फिर किसी और ग्रह पर जाके रहने के लिए, तो इस तरह का जो एनर्जी सिस्टम है वो काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो इस बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।